हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 4 पढ़ाऊंगी। स्कूल मुझे अच्छा लगा। इस पार्ट में ये बताया गया है, एक चीन में एक बच्चा है, वो जाता है अपने नए एडमिशन के लिए, नए स्कूल देखने जाता है। और उस स्कूल में, उस स्कूल को, जो कमरे उस स्कूल के होते हैं उनको रेलगाड़ी के पुराने डिब्बों से बनाया जाता है। तो इसका सार देखिए, तोतो चान, उस बच्चे का नाम है तोतो चान, नए स्कूल में दाखिले के लिए अपनी माँ के साथ सोसाकू कोबायाशी के स्कूल में गई। इस स्कूल का माहौल तोतो चान को बहुत पसंद आया था। उसने वहाँ के हेडमास्टर से बात करके उसे इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत ही तोतो चान को स्कूल में प्रवेश दे दिया। इस घटना को कहानी में बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं कैसे। जब तोतो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वो ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वो जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के दो बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े स्कूलों में अक्षरों में ना स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के दो तनों का था, उन पर टहनियों के पत्ते भी थे। टहनियाँ और पत्ते भी थे, मतलब अभी तक हम लोग स्कूलों में देखते हैं कि बड़ा सा गेट बना होता है और गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में हर स्कूल का नाम लिखा होता है। लेकिन जहाँ वो गई थी उस स्कूल का गेट उस तरह नहीं था। उस स्कूल के गेट में दोनों ओर टहनियाँ लगी हुई थी। टहनियाँ मतलब पेड़ की जो डंठालें होती हैं वो लगी हुई थी और ऊपर से उसको पत्ते, उसके पेड़ों के पत्ते लगे हुए थे। अरे ये गेट तो बढ़ रहा है, तोतो चान ने कहा, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। मतलब पेड़ है, वो पेड़ की टहनियाँ हैं तो उसमें पेड़ लगा दिया ज़मीन में, फिर से वो निकल रहा है और आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो कहा गया कि ये इतना, तोतो चान कहती है, ये इतना बड़ा है कि ये एक दिन टेलीफोन के खंभे से भी ऊँचा हो जाएगा। गेट के ये दो खंभे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मजबूत थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोतो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर लगी नाम की तख्ती भी हवा में टेढ़ी हो गई थी, मतलब तख्ती पर, हल्की सी तख्ती पर लगाकर नाम लिखकर उसको पेड़ों से बांध दिया गया था और वो हवा के कारण उल्टी टेढ़ी हो रही थी। तो जो तोतो चान गई थी वहाँ एडमिशन करवाने, उसने सोचा कि लाओ हम स्कूल का नाम पढ़ें। तो उसमें लिखा हुआ था तो मो ए गाकुएन गाकुएन, ये स्कूल का नाम था। तोतो चान माँ से पूछना चाहती थी कि तुमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। वो बैठ गई, मतलब जब उसने स्कूल का नाम देख लिया तो सामने उसने देखा कि वहाँ पर कोई चीज़ है और वो अचानक वहाँ पर बैठ गई और बैठकर पेड़ में छुपकर वहाँ से देखने लगी ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। मतलब पेड़ के झाड़ियों में इसलिए छुप गई कि वो वहाँ से अच्छी तरह देख पाए, पर उसे कोई ना देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब वो ये सोच रही थी जो चीज़ उसने देखी थी वो कहीं वो हकीकत में तो नहीं है। फिर उसने कहा, माँ क्या ये सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में, मतलब उसने बताया, देखो ये जो स्कूल का मैदान है यहाँ रेलगाड़ी जो खड़ी है वो सचमुच की है, स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोतो चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियाँ सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोतो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये कक्षाएँ हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोतो चान को तुरंत ट्रेन में ना चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा है। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। स्कूल अच्छा लगा या नहीं, ये बात ये है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिनी हाथ की ओर एक मंजिल भवन में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। तोतो चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वो रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वो झुकी और अपना चेहरा तोतो चान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तोतो चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना।
माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात है, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती, पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता ना? दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर? तोतेचान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। जब माँ और तोतेचान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व पाँवों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोतेचान ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ सकुचाई, पर इससे पहले कि वो कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तोतेचान की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेड मास्टर जी ने तोतेचान को कुर्सी पर बैठने को कहा, फिर माँ की ओर मुड़कर बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतेचान से बात करना चाहता हूँ। तोतेचान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा, तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा। दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने कुर्सी खींची और तोतेचान कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वो बताऊँ। तोतेचान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे ये कहा गया कि वो किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वो तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वो काफ़ी गड़बड़ पर वो अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वो कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबील का घोंसला कैसा है, उसका बूढ़ा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वो कैंची मुँह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोतेचान की जीव ना कर जाए, पर वो फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वो नाक कैसे चिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती तो उसे डांट। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर। तोतेचान इतनी खुश थी कि वो आगे बोलती जाती, बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितनी शर्म की बात है, तोतेचान ने सोचा। कितना अच्छा मौका है, क्या वो किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वो अपनी फराह के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर ये फ़राक दुकान से ख़रीदी हुई थी। जब भी वो दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वो दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी, साथ ही वो खाली ज़मीन के चारों और लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फराकें फटी निकली और उसे ये खरीदी हुई फ़राक पहननी पड़ी। फ़राक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, फ़राक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फुअड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोतेचान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोतेचान को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ। तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक ये ही शब्द थे उनके, और उस समय तोतेचान को लगा कि वो जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमाई नहीं ली थी, ना ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतेचान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी, और पिछली शिक्षिका को ये जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला
भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी, वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चान की उस पहले दिन हेडमास्टर ससाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वो जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी। अब वे वहाँ पहुँचे थे। जब वहाँ पहुँचे थे बच्चे हल्ला करते हुए मेज़ पर कुर्सियाँ उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोतो चान को विश्वास नहीं हुआ। उनके पीछे स्कूल की कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे यहाँ मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है, तोतो चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जाना चाहा कि हर बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। जी हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। ज़रा देखो तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेज़ों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे। वाह क्या मज़ा है, तोतो चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है ये स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी हर मेज़ पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। हेडमास्टर के ये कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतो चान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल से लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वो दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतो चान को नाश्ता देकर वो उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चान के गले में लटका दिया ताकि वो खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना, बिल्कुल, तोतो चान ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वो मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा गुड बाय। तोतो चान को यूँ निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आईं। कितना कठिन था ये चुलबुली बिटिया जो आज इतनी खुशी से स्कूल में जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली गई थी। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो।